हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। आज हमने पढ़ना है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेल किस तरह से अरेंज हुए हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से, वो किस पैटर्न में ऑर्गेनाइज हुए। तो सबसे पहले हम इसमें मूव करने से पहले हम जानेंगे कि ऑर्गेनिज्म बेसिकली कितनी टाइप्स की, उनकी मेजर क्लासेस कितनी है। तो देयर आर 5 मेजर क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो सबसे पहले वाला हमारे पास आ जाता है प्रोक्रियोट, देन नेक्स्ट वन इज प्रोटिस्ट, फिर फंजाई, फिर प्लांट्स एंड एनिमल। ये 5 मेजर क्लासेस हैं ऑर्गेनिज्म की जिनमें इन्हें ऑर्गेनाइज किया गया। इसके बाद हमारे पास आ गया, अब पहले हमने जो है हमने पढ़ा है कि ऑर्गेनिज्म की कितनी टाइप है। अब हम पढ़ेंगे कि सेल्स किस तरह से होते हैं, कितनी टाइप्स की सेल्स हमारे पास जो है मौजूद है। देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। फर्स्ट वन इज प्रोक्रियोटिक एंड द सेकंड वन इज यूक्रियोटिक सेल। अब प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक में फर्क क्या होता है? जो प्रोक्रियोटिक सेल्स होते हैं इनका जो न्यूक्लियस होता है उसके गिर्द कोई बाउंड्री नहीं होती, वो खुला वैसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है। जो यूक्रियोटिक होते हैं उनके न्यूक्लियस के गिर्द में न्यूक्लियर वॉल मौजूद होती है, तो ये उनका न्यूक्लियस न्यूक्लियर वॉल में होता है और वो वैसे साइटोप्लाज्म में नहीं होता। तो बेसिकली इन दोनों में यही डिफरेंट है। सेल 2 तरह के हमारे पास, फर्स्ट वन इज प्रोक्रियोटिक एंड द सेकंड वन इज यूक्रियोटिक। नेक्स्ट जो हम है वो पढ़ने वाले हैं कि सेल्स को हम अब हमने देखना है कि सेल्स को हमने किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया, कितने वेज में उनको ऑर्गेनाइज किया हुआ है। देयर आर बेसिकली 3 वेज in which we have organized cells. The first one is unicellular organization, उसके बाद आ गया multicellular organization, उसके बाद आ गया colonial organization। तो ये तीनों जो है ये मेन है, ये 3 मेन वेज है जिनमें जो सेल है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनाइज हुए होते हैं। तो अब हम इनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि इन सब में किस तरह से सेल्स की अरेंजमेंट हुई होती है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले हमारे पास आती है। यूनिसेलुलर, जब भी कोई लफ्ज़ आएगा यूनि का मतलब हो गया एक और सेलुलर से मीन सेल। अब आप लोगों के माइंड में यही आना चाहिए कि इसमें सिर्फ एक सेल पाया जाता है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ओनली वन सेल मेक्स द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है, सिर्फ ओनली एक सेल होता है जो कि पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म की लाइफ को बनाता है। ऑल लाइफ एक्टिविटीज आर कैरिड आउट बाय ओनली वन ऑर्गेनिज्म। और जितनी भी लाइफ से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं वही सिर्फ एक सेल, अकेला सेल ही परफॉर्म कर रहा होता है। इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाता है अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लेना। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो है या यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की एग्जाम्पल्स में ये 3 हमारे पास आ जाते हैं। आगे इनके जो स्ट्रक्चर है वो मेंशन किए हुए हैं। ये हमारे पास अमीबा है। अब अमीबा के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को भी उधर उन्होंने मेंशन किया हुआ है। ये सेकंड में हमारे पास यूग्लेना है और यूग्लेना के स्ट्रक्चर के साथ भी उन्होंने उनके बॉडी पार्ट को बाय नेम लेबल किया हुआ है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। आगे हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी का मतलब हो गया डिफरेंट, तो मल्टी सेलुलर मतलब इनमें बहुत ज्यादा तादाद में सेल्स होते हैं, ट्रिलियंस नंबर ऑफ सेल होते हैं। सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जो सेल होते हैं वो पहले ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, ऑर्गेनाइज होकर टिश्यूज बना देते हैं। अब टिश्यूज मिलेंगे तो ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन मिलके फिर ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। तो ऑर्गन सिस्टम जब मिलते हैं तो पूरा का पूरा एक इंडिविजुअल बन जाता है। तो इस तरह से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसमें सेल इस तरह से अरेंज हुए हुए होते हैं। इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाता है फ्रॉग एंड मस्टर्ड। ये इसकी फेमिलियर एग्जाम्पल है जो हम यूजुअल लाइफ में देखते भी रहते हैं। तो ये 2 मोस्टली जो है इनकी एग्जाम्पल में हम देखते हैं। तो ये फ्रॉग की डायग्राम इधर शो की हुई है, तो इसके बॉडी पार्ट्स भी वो इधर लेबल हैं, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन ये इतना है नहीं, लेकिन फिर भी देख सकते हैं आप लोग, इसको बना भी सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल से हमारे माइंड में एक लफ्ज़ आता है कि कॉलोनी की फॉर्म में कोई भी चीज़ होगी। कॉलोनी की फॉर्म में कभी चीज़ होती है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो कॉलोनी में कब रहते हैं, कॉलोनी में कितने, एक तो बंदा रहने से रहा, अब वहाँ पे काफ़ी जो लोग हैं आके रहने लगते हैं, तब जाके उसको कॉलोनी का एक स्टेटस मिलता है, उस जगह को, स्पेसिफिक जगह को। तो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इन कॉलोनियल टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर बट डू नॉट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम। वो एक जगह पे रह तो रहे हैं लेकिन वो मतलब कि उनमें लेबर की डिवीजन कोई नहीं है। काम हर बंदा अपना, अपनी लाइफ को कैरी करने के लिए, अपनी लाइफ को चलाने के लिए हर बंदा अपने लिए खुद काम कर रहा होता है। Each unicellular organism in the colony lives its own life and does not depend on other for its vital requirement। मतलब कि उसको जिंदा रहने के लिए जितनी भी कोई रिक्वायरमेंट्स जो उसके लिए चीजें नेसेसरी हैं उसके जिंदा रहने के लिए, तो वो उसके लिए खुद काम करेगा, यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, डिवीजन ऑफ लेबर का यही मतलब है। तो इसके एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आ रहा था, वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स इज अ ग्रीन एल्गा फाउंड इन द वाटर दैट शोज द कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। 100 ऑफ द वॉल्वॉक्स मेक अ कॉलोनी। अब यहाँ पे क्या होता है कि 100 नंबर में वॉल्वॉक्स एक दूसरे के साथ आके मिल के रहने लग जाते हैं और एक कॉलोनी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो ये कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की फेमस एग्जाम्पल है। अब इसकी डायग्राम देख लें, ये इधर इन्होंने कॉलोनी की शक्ल, ये देखें कॉलोनी की शक्ल, कितने वॉल्वॉक्स आपस में आके रह रहे हैं इकट्ठे। लेकिन इनमें से हर बंदा अपनी अपनी लाइफ की जो एक्टिविटीज हैं वो खुद ही कैरी कर रहा है, कोई किसी की हेल्प नहीं कर रहा। तो इसमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ आके रह रहे हैं। तो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में यही होता है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने सीखा है कि ऑर्गेनिज्म को कितनी मेजर क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ऑर्गेनिज्म को बेसिकली 5 मेजर क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, जो कि मैंने आप लोगों को ऊपर बताई है। फिर इसके बाद हमने देखा कि सेल्स को कितनी टाइप में, सेल की बेसिकली मेजर जो बेसिक क्लासेस हैं वो कितनी, 2 हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या है वो भी मैंने आप लोगों को ऊपर बताया। फिर इसके बाद हमने जो है ऑर्गेनाइजेशन के लेवल या वेज को पढ़ा है। तो देयर आर बेसिकली 3 लेवल 3 वेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो वो भी हम लोगों ने इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ आई है। अगर आप लोगों को समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलें। और अगर कोई क्वेश्चन है देन काइंडली आप लोग नीचे मेंशन करें, नीचे मेंशन करेंगे तो आई विल बी एबल टू आंसर यू गाइस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।